जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2018 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के 135 शिफ्ट में आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत के 10 शिफ्ट में जो आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3:30 बजे जो मेरी अनकेडमी के ऊपर क्लास होती है ये आपके ग्रुप डी की तैयारी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो टोटल अभी तक हम लोग 49 सेट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं साइंस और स्टैटिक जीके के। इसके अलावा वर्तमान में जो आपके करंट अफेयर ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न भी होते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल भी देर मत करिए, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कल है आपका संडे, तो कल भी अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लूट लो योजना के अंतर्गत आप लोग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जीत सकते हैं। कई कैटेगरी में आपके कॉम्बैट का आयोजन किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंक या फिर SSC कैटेगरी में कॉम्बैट देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। बस जब आपसे कोड पूछा जाए तो कोड आप लोग इंटर करिएगा KV10। और यहाँ पर अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 500 के बीच में आती है तो यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं अनअकैडमी का, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज़ करिएगा कोड KV10, इससे आपको तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल आपके 45 प्रश्न आते हैं साइंस और करंट अफेयर के साथ साथ आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री से। इसमें से आपके जो 20 प्रश्न होते हैं वह करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा गया था, वैसे ये रीजनिंग का प्रश्न है लेकिन अगर आपको जीके आती होगी तभी इसे कर पाएंगे। तो प्रश्न ये था कि उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सारे हमारे यहाँ पर हैं साइंटिस्ट। विराट कोहली हैं एक क्रिकेटर। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश के ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। खेल और उससे जुड़े हुए खिलाड़ी, इससे लगभग हर 2 शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। अब बात हुई है यहाँ पर रेसलिंग के खिलाड़ियों की, तो 10 में आपको भारत के सबसे फेमस खिलाड़ियों के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, हमारे 2 बार ओलंपिक के चैंपियन जो कि अभी एक हत्या के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, विनेश फोगाट हो गई, बजरंग पुनिया हैं, साक्षी मलिक, द ग्रेट खली, कविता देवी, जिंदर महल, योगेश्वर दत्त, दीपक पुनिया और हैं जीत राणा। तो इन सभी के नाम आप लोग याद रखिएगा कि ये हमारे यहाँ के हैं रेसलर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका है कोडाईकनाल, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि कोडाईकनाल जो कि हमारे यहाँ का एक हिल स्टेशन है, इसे यहाँ पर पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि -3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो यहाँ पर पहले भारतीय हैं, इनका नाम है विराट कोहली। कौन? विराट कोहली को 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार मिल चुका है। ये जो पुरस्कार है BCCI के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कब कब इनको मिला था? तो उस समय इनको 2012-13 में भी मिला था, उसके अलावा इनको फिर जाकर के 14-15, 15-16, 16-17 में मिला था, और एक लेटेस्ट आप याद रखिएगा कि 2018-19 वाला जो पुरस्कार है ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को किस वर्ष स्थापित किया गया था। बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। तो ये स्थापित हुआ था 1875 में। कब? 9 जुलाई 1875 को इसको स्थापित किया गया था। मुंबई में जो दलाल स्ट्रीट है, ये दलाल उस टाइप वाले दलाल की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो दलाल स्ट्रीट जो आपको मुंबई में मिलेगा वहाँ पर इसका मुख्यालय है। सबसे पुराना आपका स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये एम्स्टर्डम वाला है और इसके अध्यक्ष हैं विक्रमजीत सेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्ति हुई थी 2018 में, लेकिन ये पहली महिला हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, नाम इनका है इंदु मल्होत्रा। क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
यानी कि हमारे देश की ये पहली महिला वकील हैं जो कि बिना हाई कोर्ट का जज बने ये सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो कि ICC अंडर 19 विश्व कप को 4 बार जीत चुका है, तो ये देश है हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि 2000 में, उसके अलावा 2008, 2012 और 18 में हमने इसको जीता था। पिछले साल भी आपका विश्व कप हुआ था अंडर 19 वाला, कहाँ पर ये हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन वहाँ पर हम लोग हार गए थे पड़ोसी बांग्लादेश से। और 2022 में ये जो विश्व कप है वह वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न है कि युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो सभी को पता होगा युजवेंद्र चहल आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को ये फाइनल जिताने का सपना काफ़ी समय से देख रहे हैं, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम है यहाँ पर युजवेंद्र चहल। क्या नाम है? युजवेंद्र चहल भाई साहब हैं। तो इस प्रश्न का डी हो जाएगा करेक्ट। वैसे सबसे पहले हमारे यहाँ से जो इन्होंने हैट्रिक लिया था उनका नाम है चेतन शर्मा। ODI में इन्होंने लिया था 1987 के विश्व कप में, और टेस्ट में सबसे पहले जो हैट्रिक है वह लिया था हरभजन सिंह ने। अगला प्रश्न है उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। तो ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन इसको भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको GK की जानकारी होगी। तो विक्रम साराभाई, इसके अलावा हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव की। तो नीचे के तीन आपके राजनेता हैं। विक्रम साराभाई हमारे इसरो के पहले अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको उड़ीसा में मिल जाएगा और इसका निर्माण करवाया था नरसिम्हदेव प्रथम ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो उड़ीसा के पुरी में आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो पूर्वी गंगा सल्तनत के राजा थे नरसिंहदेव, उनके द्वारा 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि रुपया 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा मंगलयान मिशन था ये अंतरिक्ष में भारत के पहले उपक्रम को दर्शाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि 2000 रुपए के नोट के पीछे आपको मंगलयान देखने को मिलेगा। 2013 में इसको हमने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में जो गोवर्धन इको विलेज की स्थापना है ये किस संगठन के द्वारा की गई थी। तो ये स्थापना इस्कॉन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, इस संस्थान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा ये जो संस्थान है उसको 13 जुलाई 1966 को स्थापित किया गया था। तो ए हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी। तो इस प्रकार के ओल जुलोल प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो मेजबानी है वह अभी भी करते हैं सलमान खान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और जो आपके साउथ में होता है उसकी जो मेजबानी है वह नागार्जुन के द्वारा की जाती है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, हो सकता है ग्रुप डी वाले आपसे साउथ वाले के बारे में भी पूछ लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इस मिसाइल का नाम है निर्भय। क्या नाम है? निर्भय इसका नाम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब मिसाइल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, और DRDO की एक हमारी लैब है जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। चेरियल चित्रकला की एक शैली है या किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो यह एक प्रकार की आपकी पेंटिंग होती है, यानी कि एक प्रकार की नक्काशी का आर्ट होता है, और मुख्य रूप से ये आपके तेलंगाना के हैदराबाद में देखने को मिलेगा। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में 4था सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था उस समय, और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम था प्रत्युष। क्या नाम था? इसका नाम है इस समय प्रत्युष, लेकिन अब भारत को इससे तेज सुपर कंप्यूटर मिल चुका है जो कि दुनिया का 61वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और उसका नाम है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको हम लोग NVIDIA कंपनी के साथ में मिलकर के डेवलप किया है। अच्छा, दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये 1964 में बना था, नाम इसका था CDC 6600, और इसी साल जापान के द्वारा जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फगाकू, उसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे आपको एक पॉइंट मैं और बता दूँ,
कि ग्रुप डी में कंप्यूटर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, या एक प्रश्न गलती से इन्होंने शायद पूछ लिया था, नहीं तो आपके ग्रुप डी में कंप्यूटर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो आसान सा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब नीति आयोग की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत, कई बार ये भी ग्रुप डी ने पूछा है, और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। योजना आयोग का इसने स्थान लिया था। अगला प्रश्न है कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो याद रखेंगे इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी इनका नाम है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। देखिए ये आपके 2016 की न्यूज है, लेकिन पहली महिला थी तो ये जो उस समय का करंट अफेयर था अब बन चुका है GK, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ग्रुप डी में जो आपके इस ऑप्शन दिए जाते हैं कई बार वे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, हो सकता है आपको सिर्फ अवनी नाम याद हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर नेम सब में बदल दिया गया है, यानी कि शुरुआत का नाम सब में आपके सेम रखा गया है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, तो अवनी चतुर्वेदी इनका नाम था, बी हो जाएगा करेक्ट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ये आपको अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC में मिल जाएगा, और यहीं पर आपको अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA का भी हेडक्वार्टर मिलेगा, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी आपको मिल जाएगा यहीं पर। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था, अब ये तो टफ प्रश्न है, इसका गठन यहाँ पर किया गया था 1983 में, कम 1983 में, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमारे देश ने विश्व कप जीता था क्रिकेट वाला, तो उस समय इसका गठन किया गया था। टोटल इसमें मेंबर की संख्या 7 है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और भूटान। अफगानिस्तान कुछ समय के लिए इसको ज्वाइन किया था, बाद में फिर इसने छोड़ दिया था। भारत सरकार के आयकर विभाग के द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष -10 में शुरू की गई थी, तो ये जो योजना है 2016 में आपकी शुरू की गई थी, कम 2016 में ये शुरू की गई थी। वैसे ये करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन हो सकता है कि योजना के बारे में आपसे इस समय भी पूछ लिया जाए, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था, अब ये तो बिल्कुल बेकार सा प्रश्न है, अब कौन डायरेक्टर के उपनाम को याद रखता है और पूरे नाम को याद रखता है, वैसे फिलहाल पूछा गया था तो आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। क्या नाम था? वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। अगला प्रश्न है कि ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है, तो ध्यान रखिएगा उस समय का CEO पूछा गया था, तो इस समय इस पद पर है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। ICICI बैंक की स्थापना January 1994 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। अच्छा उसी साल आपका HDFC बैंक भी बना था 1994 में, और 1994 में दुनिया की जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जेफ बेजोस वाली, यानी कि अमेजन की भी स्थापना की गई थी। जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं, तो देखिए फिर एक खेल और खिलाड़ी से प्रश्न आ गया, तो जोशना चिनप्पा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके संबंधित हैं यहाँ पर स्क्वाश से, किससे? स्क्वाश की ये खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो FDI आया था वो हमारे आया था सर्विस सेक्टर में। किसमें? सर्विस सेक्टर में आया था। लेकिन अभी मैंने आपको डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में ही बताया है कि 2020-21 में जो हमारे यहाँ पर FDI सबसे ज़्यादा आया है वह आपके कंप्यूटर और हार्डवेयर में आया है। सबसे ज़्यादा FDI हमको मिलता है सिंगापुर से, और सबसे ज़्यादा राज्य जो FDI प्राप्त करता है उसका नाम है गुजरात। अगला प्रश्न है कि लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं, तो लिम्बाराम की बात करते हैं तो ये आपके खिलाड़ी हैं तीरंदाजी के, किसके? आर्चरी के ये खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब आर्चरी की बात हुई है तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में भी बता देता हूँ, जैसे कि दीपिका कुमारी हो गई, अतानु दास हैं, तरुण दूप राय हैं, प्रवीण जाधव हैं, बोम्बेला देवी लेसराम हैं, ज्योति सुरेखा बेनम हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिम्बाराम जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जो पुस्तक है इसको लिखा है यहाँ पर किरण दोषी ने। किसने? किरण दोषी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चैंसु व्यंजन किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके CBT 1 में भी पूछा गया था, CBT 2 में भी इससे प्रश्न पूछा गया, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य का व्यंजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ध्यान रखेंगे
हमारे यहाँ की जो शास्त्रीय भाषा है वह मराठी बिल्कुल नहीं है। मराठी लोगों की बहुत ही समय से मांग है कि इसको भी दर्जा दिया जाए, लेकिन दर्जा नहीं मिला है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश डैश के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो वन महोत्सव ये आपका हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की थी KM मुंशी ने। किसने? KM मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। तो बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? तो आसान सा प्रश्न है, दंगल मूवी का नाम है। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, डायरेक्टर का नाम भी आप लोग याद रखेंगे तो नीतीश तिवारी इनका नाम है। गीता और बबीता फोगाट के जीवन पर ये आधारित है। और यहां पर आपको याद रखना है कि महावीर सिंह का जो रोल है, यानी कि इनके पिता का जो रोल है, वह इसमें निभाया था आमिर खान ने। अगला प्रश्न है कि जो बिडेन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ट्रंप चाचा के बारे में पूछा गया था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये हैं USA के, अभी इसके नए राष्ट्रपति ये इसी साल बने हैं। भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1956 में। कब? 1956 में, यानी कि जिस वर्ष आपका LIC बना था उसी वर्ष इसकी भी स्थापना की गई थी। हमारे MSME मंत्रालय के अधीन है, जिसके मंत्री इस समय नितिन गडकरी साहब, जो कि नागपुर से सांसद हैं, और मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं इस समय विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि कौटिल्य के द्वारा, आचार्य चाणक्य के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी वो हमारे दूसरे थे, वो विष्णुगुप्त थे, सॉरी ध्यान रखिएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र के लेखक हमारे रहे हैं कौटिल्य, दरअसल फ्लो में मैं बोल गया, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अनगा देश पांडे किस खेल से संबंधित है? तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है क्रिकेट के खिलाड़ी, ये आप देख सकते हैं अनगा देश पांडे इनका नाम है। वैसे अगर हम लोग भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करते हैं तो स्मृति मंधाना, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, प्रिया पुनिया, झूलन गोस्वामी और पूनम यादव, इन सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय सेना में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पद प्रदान किया गया है? तो ये जो इनको पद मिला था ये था लेफ्टिनेंट कर्नल का। किसका? लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? देखिए ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो ये है युजवेंद्र चहल। क्या नाम है? युजवेंद्र चहल इनका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और ये हमारे खेल मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है जिसके इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, नाम इनका है संदीप प्रधान। एक प्रश्न पूछा गया कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब अन्य दिवस की बात कर लेते हैं, जैसे कि विश्व विरासत दिवस हो गया 18 अप्रैल को होता है, 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डे होता है, 22 अप्रैल को आपका क्या होता है तो इस दिन हमारा पृथ्वी दिवस होता है, और 22 मई को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। आखिरी प्रश्न पूछा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। कब? 1955 में इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था और उसी समय इसका नामकरण किया गया था, और नाम इसका क्या रखा गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है रजनीश कुमार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शुरुआत के जो हमारे 10 चैप्टर थे उसमें कुल मिलाकर के यहाँ पर लगभग 40 प्रश्न पूछे गए आपके स्टेटिक GK से, यानी कि हर चैप्टर में आप कम से कम 4 प्रश्न को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपके स्टेटिक GK से पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हमारे अन्य चैप्टर आएंगे उसी प्रकार से आप लोग स्वयं आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।